हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट अबाउट टू सेट। इट मींस कि अगर हमें टू सेट का प्रोडक्ट का मतलब होता है गाइस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। अगर हमें टू सेट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर अ टू सेट, इट मींस कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहले तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए, क्लियर। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ये हमें खास याद रखना है कि हमारे पास पेयर्स होने चाहिए और उन सबको हमें क्या करना है, एक ऑर्डर में रखना है और उसका एक सेट बना लेना है, क्लियर। इट मींस कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर वुज, यानी कि ये पेयर कैसी होनी चाहिए, वुज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। इट मींस कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, ए में से, एंड सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी। इट मींस कि हमें ऐसे पैर बनाने हैं और उस पैर का सबका एक सेट बना लेना है। कैसी पैर, तो कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में से होना चाहिए, जिसका सेकेंड एलिमेंट सेट बी में से होना चाहिए, तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। इट मींस कि आप उसको क्रॉस भी बोल सकते हो, ए क्रॉस बी, सेम एज इट इज। अगर अपोजिट होता, बी क्रॉस ए होता, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, बी में से, और सेकेंड कहाँ से आना चाहिए, ए में से, क्लियर। डिनोटेड बाय, हम लोग उसको ए क्रॉस बी भी रख सकते हैं या तो फिर बी क्रॉस ए भी रख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए में से, सेकेंड बी में से, यहाँ पे फर्स्ट बी में से और सेकेंड ए में से, क्लियर। उसको हम लोग ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, क्लियर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो सेट अवेलेबल है कि ए इज इक्वल टू है 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू है 2 एंड 3। हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी भी करना है और बी क्रॉस ए भी करना है, क्लियर। इट मींस हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि हमें पेयर्स बनाना है, कैसे, तो कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, ए में से, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, बी में से, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये ए क्रॉस बी है तो ए पहले रहेगा, क्लियर। तो ए का जो पहला एलिमेंट है, इट मींस कि ये 1, इसका एक पेयर बना लेते हैं सेकेंड एलिमेंट के 2 के साथ, क्लियर। इट मींस हमें क्या करना है, लाइन में ही जाना है। ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उनको बी के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, बी के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा कि 1, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। सेम इज इट इज फॉर 2, तो 2, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सेम इज इट इज फॉर 3, 3, 2 एंड 3, 3, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। इट मींस कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके फर्स्ट एलिमेंट ए के है, सबके सेकेंड एलिमेंट बी में से है। अब यहाँ पे हमें उसका क्या करना है, अपोजिट। अब क्या होगा, पहले बी को लेना है, यानी कि बी का पहला एलिमेंट ले लेते हैं 2, तो उसके साथ ए के सारे एलिमेंट जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3। सेम इज इट इज। अब हम लोग करते हैं 3 के लिए, 3 का एक एलिमेंट बी का फर्स्ट वन और ए के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। यहाँ पे गाइज आपको एक बात खास नोट करके रखना है कि अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करते हो या बी क्रॉस ए फाइंड करते हो, आपके नंबर्स ऑफ पैर सेम टू सेम ही मिलेंगे। इट मीन्स कि नंबर ऑफ पैर, हाँ, नॉट हमारा जो भी ये ऑर्डर्स है वो कैसे भी हो सकता है, सेम मैच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी 6 पैर है, यहाँ पे भी 6 पैर है, क्लियर। ऑफकोर्स 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, आंसर कितना मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है, क्लियर। उसके कुछ प्रॉपर्टीज है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फर्स्ट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, बी के अंदर कितने थे, 2। अब सेकेंड वन करते कि बी क्रॉस ए करते, तो उसके अंदर थे 2 और सेकेंड के अंदर था 3। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 6 ही मिलेगा, क्लियर। इट मीन्स कि ए क्रॉस बी फाइंड करो या फिर बी क्रॉस ए फाइंड करो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है, क्लियर। जनरली ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम ही हो, वो जनरली ज्यादातर इक्वल नहीं ही होते हैं, क्लियर। इफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 5, यानी कि ए और बीच के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम सेम हो, देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर भी कोई सेम एलिमेंट्स नहीं हो सकते। इट मीन्स अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 मिलता है, तो ये दोनों क्रॉस का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो भी कैसा मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा, क्लियर। और लास्ट वन,
इफ ए और बी इज अ नल सेट, यानी कि अगर हमारे पास ए और बी है उनमें से दोनों में से कोई भी एक एटलीस्ट, और का मतलब क्या होता है एटलीस्ट, अगर ए नल होगा तो भी चलेगा, बी होगा तो भी, और दोनों भी नल हो सकते हैं. इट मीन्स कि अगर ए और बी में से एटलीस्ट कोई एक भी हमारा सेट नल है तो हमारा जो क्रॉस है, इट मीन्स कि ए क्रॉस बी हमें कैसा मिल सकता है, नल सेट मिल सकता है. क्लियर. अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 8 एंड थ्योरम नंबर 9. ये दोनों जो थ्योरम है वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही है, लेकिन फॉर द 3 सेट है. क्लियर. इट मीन्स कि हमें ये प्रूफ करना है फॉर द थ्योरम नंबर 8, ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी. सेम एज इट इज, जैसे हम लोग सब में रिमेंबर करते हैं वैसे ही रिमेंबर करना है. ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स कि ए क्रॉस बी. ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स कि ए क्रॉस सी. बीच में यहाँ पे साइन इंटरसेक्ट का है तो यहाँ पे भी हम लोग इंटरसेक्ट पुट करेंगे. क्लियर. हमें सिर्फ डी मॉर्गन के रूल के लिए ही अपोजिट साइन वाला रूल जो है वो रिमेंबर करना है. क्लियर. तो हम लोगों का जो कंडीशन होता है सेम एज इट इज, क्या कंडीशन होता है कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट है तो हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं. इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, तो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी. क्लियर. सेम एज इट इज सेकेंड वन कंडीशन, उसका अपोजिट होगा, क्या होगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी भी किसका सबसेट होना चाहिए, तो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी का. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं. अब यहाँ पे ये एक रूल खास याद रखना है, जैसे आगे के थियोरम में किए थे हम लोग, फर्स्ट कंडीशन के लिए एक्स अज्यूम करते थे, सेकेंड के लिए वाई अज्यूम करते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है. इट मीन्स कि हमारे पास एक पैर के अंदर कितने वैल्यूज होने वाला है, दो. इट मीन्स कि हमें पैर वाइज जाना है तो हमें यहाँ पे कितने एलिमेंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे, टू. क्योंकि क्रॉस से पहले का जो एलिमेंट होगा वो सेट नंबर 1 में से होगा, क्रॉस के बाद का जो एलिमेंट होगा वो सेट नंबर 2 में से होगा. क्लियर. हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखा था कि फर्स्ट जो होता है वो ए में से होता है और सेकेंड वन होता है वो बी में से होता है. क्यों? क्योंकि वो ए क्रॉस बी था इसीलिए. इट मीन्स कि क्रॉस के पहले का और क्रॉस के बाद का ऐसे दो पार्टीशन हम लोग करेंगे. क्लियर. तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सपोज करते हैं, फर्स्ट वन पहले तो कंडीशन लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी, हमें ये वाला आंसर लेके आना है. क्लियर. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें पैर वाइज जाना है इसीलिए, इज एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी. क्लियर. इट मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी. क्लियर. अब ये जो है एक्स एंड वाई वो क्या होगा, एक्स क्रॉस से पहले का, वाई क्रॉस से बाद का. क्लियर. इट मीन्स कि इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटू है. गाइज आपको ये रिमेंबर करना है कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एंड और इंटरसेक्शन. क्लियर. ये आपको रिमेंबर करना है. और अगर आप यूनियन के थ्रू जाते हो तो उसका मतलब होता है और एंड प्लस. क्लियर गाइज. अब यहाँ पे देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए मल्टीप्लीकेशन है, इट मीन्स क्या हो जाएगा एंड वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्ट सी, ऐसा हो जाएगा. क्लियर. और थोड़ा एक्सपांड करते हैं, क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to b intersect का मतलब भी क्या होता है guys, and ही होता है. क्लियर. एंड y belongs to c. क्लियर. ये हम लोगों ने एक ब्रेकेट ओपन किया. अब क्या करेंगे, अब देखो x belongs to a and b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. क्लियर. अब अगेन हम लोग x और y जो है ना उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि a and b, और क्या हो जाएगा बीच में अगेन हमारा क्या है एंड, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि ए एंड सी. इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आप ध्यान दो, एक्स बिलोंग्स टू ए जो था उसमें से एक्स और वाई इन दोनों में से हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे बिलोंग्स टू करके. क्लियर. और फिर ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में यहाँ पे साइन एंड का है इसीलिए, और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के बीच में भी एंड का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी एंड का साइन है. क्लियर. और यहाँ पे भी एंड का साइन है. क्लियर गाइस. ये एंड का साइन यहाँ पे रखा है और ये एंड का साइन इन दोनों जगह पे रखा है. क्लियर. अब हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको नोटिफिकेशन दे देते, तो क्या हो जाएगा कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, एंड का मतलब आप देख सकते हो गाइस हमें कौन सा साइन पुट करना है, क्रॉस का. इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी एंड है
इट मीन्स कि उसके लिए हम लोग और साइन कौन सा दे सकते हैं, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। आप चेक कर सकते हो कि हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोगों ने पुट किया था उसका आंसर हमें ऐसा मिल चुका है, क्लियर। अब सेकेंड वन कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंड वन कंडीशन हमारा कौन सा है, तो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी, ये वाला पुट करके हमें ये वाला आंसर लाने की कोशिश करनी, क्लियर। इट मीन्स कि सेम इज इट इज, यहाँ पे अब हम लोगों ने एक्स वाई तो ले लिया है, तो अब हम लोग यू भी अज्यूम कर दें, गाइज आप कोई भी अल्फाबेट अज्यूम कर सकते हो, क्लियर। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि यू वी इज एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी, क्लियर। यू वी इन दोनों के कोई एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे ये खास थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ही टर्म था क्रॉस से पहले का और क्रॉस के बाद का, यानी कि एक ही क्रॉस था तो दो पार्टीशन थे, यहाँ पे हमारे पास दो पैर ऑलरेडी अवेलेबल है। इट मीन्स ये फर्स्ट पैर, ये सेकेंड वन पैर, इट मीन्स कि जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, यू में से होंगे, और सेकेंड सेकेंड जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से होंगे, वी में से होंगे, क्लियर। इट मीन्स कि फर्स्ट पैर में भी यू वी होंगे और सेकेंड पैर में भी यू वी होने वाला। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, तो कि यू एंड वी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी। अब यू वी ए बी में भी है और यू वी ए सी में भी है, तो हम लोग उसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं कि यू वी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट है तो उसकी जगह पे क्या चला जाएगा एंड, क्लियर। और फिर यू वी ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, क्लियर। यानी कि यू वी ए बी में भी है और यू वी ए सी में भी है, जो क्रॉस के पहले का होगा उसमें होगा यू, क्रॉस के बाद का होगा उसमें होगा वी। इट मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यू बिलोंग्स टू ए, क्रॉस है उसकी जगह पे एंड वी बिलोंग्स टू बी, क्लियर। यहाँ पे एंड है तो सेम एज इट इज हम लोग वापस उसका क्या पुट कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अभी सेम एज इट इज क्या हो जाएगा कि यू बिलोंग्स टू ए एंड वी बिलोंग्स टू सी, क्लियर गाइस। अब आप इसमें देख सकते हो यू बिलोंग्स टू ए एंड यू बिलोंग्स टू ए एंड कॉमन है तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि यू बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पे क्या बचेगा, तो कि वी बिलोंग्स टू बी एंड वी बिलोंग्स टू सी। इट मीन्स कि वी बिलोंग्स टू बी एंड सी, क्लियर। अब अगेन हम लोग उसमें से यू वी को कॉमन निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, यू एंड वी बिलोंग्स टू ए एंड है तो उसकी जगह पे हमें क्या करना है, क्रॉस वी बिलोंग्स टू, वी तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे बी एंड सी है तो वो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्ट सी। ये हो गया गाइस हमारा सेकेंड इक्वेशन। आप चेक कर सकते हो कि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पुट किया था और हमें ये आंसर मिला। इसमें गाइस आपको ये खास ध्यान रखना है कि कब हमें क्रॉस पुट करना है और कब हमें इंटरसेक्ट पुट करना है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, एंड ही होता है। ये हमें कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ये थ्योरम तो पता ही है। अब ए और बी के बीच में यहाँ पे जब भी कोई एंड आएगा तो हम लोग क्रॉस पुट करेंगे, और दोनों पैर के बीच में जो आएगा उसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एंड पुट करेंगे, क्लियर। तो ये एंड और क्रॉस इंटरसेक्शन ये आपको खास ध्यान रखना है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 9, सेम एज इट इज जैसा हम लोगों ने थ्योरम 8 देखा। यहाँ पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन यूज किया है, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, यूनियन। आप कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हो उसमें हमारी टू कंडीशंस क्या होती है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो हम लोग उसको इक्वल कह पाएंगे, क्लियर। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या कर देना है, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा कि ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और सेकेंड वन कंडीशन हमारा क्या होगा कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्लियर। अब फर्स्ट कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा वाला करना है, ये वाला क्वेश्चन पुट करके ये आंसर लाना है, क्लियर। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, सेम एज इट इज पैर है तो हमें टू वेरिएबल अज्यूम करने पड़ेंगे। हम लोग फर्स्ट के लिए अज्यूम करते हैं एक्स एंड वाई, इज एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। इट मीन्स कि हम उसके कैसे लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्लियर। इट मीन्स कि एक्स और वाई, क्रॉस के पहले का होगा वो एक्स, क्रॉस के बाद का होगा वो वाई। इट मीन्स कि ये ऐसा हो जाएगा कि और एक्सपान करेंगे तो कि एक्स बिलोंग्स टू ए,
क्रॉस है उसकी जगह पे क्या रखेंगे एंड. वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी. क्लियर. अब इसको और ज्यादा एक्सपांड करते हैं, क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन है उसका मतलब क्या होगा और y belongs to C. क्लियर. अब आप देख सकते हो कि जो ये x belongs to A and है वो B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. क्लियर. तो कैसे हो जाएगा कि x belongs to A and y belongs to B, यहाँ पे और है तो बीच में साइन हमारा कौन सा रहेगा यूनियन का, सेम एज इट इज. अब A C के साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा कि x belongs to A and y belongs to C. क्लियर. अब उसको हम लोग नोटिफिकेशन देते हैं तो x और y को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं कि x एंड y बिलोंग्स टू a एंड b है. इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे a क्रॉस b यूनियन एज इट इज a एंड c, यानी कि क्या होगा a क्रॉस c सेम एज इट इज. यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि हमें कब क्रॉस देना है और कब यूनियन देना है. क्लियर. यहाँ पे अगर आप एंड की जगह पे इंटरसेक्शन पुट कर देते हो तो हमारा थ्योरम नहीं होगा. इट मीन्स कि आपको राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए ये इक्वेशंस पुट करने हैं. क्लियर. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. आप चेक कर सकते हो कि हम लोगों को ऐसा आंसर मिल चुका है. क्लियर. सेकेंड वन कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं. सेकेंड वन कंडीशन क्या है तो कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. अब एक्स और वाई हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यू एंड वी is any elements of A cross B union A cross C. क्लियर. ये इसके कोई एलिमेंट्स है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि U and V belongs to A cross B union A cross C. क्लियर. अब इसको एक्सपांड करते हैं. यहाँ पे भी खास ध्यान रखना है हमारे पास दो क्रॉस अवेलेबल है. इट मीन्स कि UV AB में भी होगा और UV AC में भी होगा. क्लियर. क्योंकि क्रॉस के पहले का और क्रॉस के बाद का दो पैर ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि U belongs to A, बीच में क्रॉस है उसका and V belongs to B. क्लियर. U A के अंदर होगा और V B के अंदर होगा. सेम इज इट इज. यहाँ पे यूनियन है तो उसका मतलब होगा और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि U किसके अंदर होगा A के अंदर और V किसके अंदर होगा C के अंदर. तो ये क्या हो जाएगा कि U belongs to A and V belongs to C. क्लियर. अब आप चेक कर सकते हो कि U belongs to A and दोनों ब्रैकेट में कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगा U belongs to A and यहाँ पे क्या बचेगा कि V belongs to B और की जगह पे रख देते हैं यूनियन एंड V belongs to C. अब इसमें से हम क्या करते हैं U और V को ना कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि U एंड V belongs to A हमारा as it is and है उसकी जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना है क्रॉस रखना है क्रॉस और यहाँ पे क्या बचेगा B union C. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. आप चेक कर सकते हो कि हमें ऐसा आंसर मिल चुका है. क्लियर गाइज. यहाँ पे एक खास आपके लिए नोट्स यही है कि आपको कब क्रॉस पुट करना है कब इंटरसेक्शन कब यूनियन पुट करना है ना वो ध्यान रखना है. क्लियर. यूनियन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन इंटरसेक्शन और क्रॉस पुट करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन हमें ये रिजल्ट भी पता ही होते हैं ऑलरेडी पहले से तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये लास्ट रिजल्ट प्रूफ करना है. क्लियर गाइज.